हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक एंड तुसी देख रहे हो जेके जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गल करांगा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। जो भी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स में पढ़ रहे हो, कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो या किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, उनके लिए ये वीडियो है। इस नोटिफिकेशन में ट्राइबल अफेयर्स ने क्या मेंशन किया है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। गाइज, ये जो नोटिफिकेशन है ये स्कॉलरशिप के रिलेट है। आप सबको स्कॉलरशिप मिलने वाला है, खाली एसटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी जेएंडके यूटी में एसटी कैंडिडेट्स है, खाली उनके लिए ये वीडियो है। जो भी कीरी है तम लंगो इथे, ये हम गुजरा वास्ते है। तो चलिए डिस्कस करेंगे हम गाइस आगे इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा एनएसपी से, ठीक है। एनएसपी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा nsp.gov.in पे। जब आप वहाँ पे विजिट करोगे गाइस, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी एंड उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, लाइक आपकी क्वालिफिकेशन, आपको वहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तमना अपलोड करनी है, साथ ही में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी, राशन कार्ड, एड्रेस वगैरह सभी डिटेल्स, बैंक का पासबुक का, ठीक है, फोटो वहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सभी चीज़ें आपको एनएसपी के वेब पोर्टल पे जाके अपलोड करनी होगी एंड आपको रजिस्टर करना होगा खुद को। एंड एज पर ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने कहा है कि हमारे पास 30 करोड़ है खर्च करने के लिए। तो जो भी एसटी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, 100% उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी कि हर एक को दिया जाएगा। सो गाइज, करना कुछ नहीं है, आप एनएसपी के वेब पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। चाहे आप ग्रेजुएट हो, बीएड हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, जो भी एसटी कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। बट इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए ईयरली, ठीक है, पर एनम। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखना। साथ ही में आपको जब आप रजिस्टर करोगे उस टाइम पे आपको अपनी एक इनकम भी अपलोड करनी होगी। एंड अगर हम बात करें गाइस प्री मैट्रिक की, तो प्री मैट्रिक में क्या होगा, ऑलरेडी से जो भी स्कूल्स जेएंडके में है, जो भी वहाँ पे टीचिंग फैकल्टी है, जो भी स्टाफ है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो वहाँ पे आपको वो ना ऑफलाइन वे में कैंडिडेट्स को बोलेंगे कि आप अपने, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे लाइए एंड टीचर्स आपके खुद वो फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे प्री मैट्रिक में। बट गाइज, पोस्ट मैट्रिक के लिए आपको खुद जाके एनएसपी के वेब पोर्टल से रजिस्टर करना है। तो ये थी गाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट डेट गाइज कब रहेगा, लास्ट डेट है 31st of October 2021। याद रखना, 31st को लास्ट डेट है। 31st तक आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के एनएसपी पे जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड आपको गाइज 100% यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाला है, यानी कि हर एक बच्चे को मिलेगा जो भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो गाइज जाइए, अप्लाई कीजिए, रजिस्टर कीजिए खुद को एंड स्कॉलरशिप अवेल कीजिए। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप क्रेडिट किया जाएगा। तो ये आपको पता ही है प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर साल कैंडिडेट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए यही इनकम वगैरह की नीड होती है। साथ ही में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी होती है, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, पासबुक की फोटोकॉपी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। साथ ही में आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर भी डालना होगा जब आप रजिस्टर करोगे, वही फ़ोन नंबर आप डालना जो वर्किंग हो, वही आप अपने फॉर्म में डालना जब आप रजिस्टर करोगे। तो गाइज 31st October लास्ट डेट है, तब तक आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये थी गाइज अपडेट एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पूरा पसंद आए। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपने से कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।